काउंटर टिकट काउंटर से आप टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे से टिकट आएगी, टिकट लेने के बाद में यह सिटी पैलेस का एंट्रेंस इधर से होगा। चले चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। सिटी पैलेस का एंट्रेंस ये गेट है, सिटी पैलेस का अंदर जाने के लिए गेट। चले चलते हैं अंदर, यहाँ टिकट चेक होगी। कर चुके हैं तो अब आगे चल रहे हैं, राइट साइड जाना होता है, वो अपन गाड़ी भी ला सकते हैं घूमने के लिए। ये कुछ एंट्रेंस है सिटी पैलेस का, काफ़ी रश है क्योंकि आज संडे है ना, इसलिए रश है। चलिए भाई, ये महल काफ़ी ऊंचा है, ये कमर्शियल शॉप्स है जैसे कि स्टूडियो वगैरह को फोटो वगैरह लेनी है, इसलिए वहाँ पर भी है। सिल्वर गोल्ड गोल्ड कुछ भी लेना हो उसके लिए भी। देखिए काफ़ी ऊंचा है, ऐसे वीडियो में नहीं दिख रहा होगा आपको कितना ऊंचा है, लेकिन वैसे बहुत ऊंचा है, अप्रोक्स 50 फीट ऊँचा होगा, 50 फीट से कुछ ज़्यादा ही, 50 से तो ऊँचा ही होगा। सामने ये कमर्शियल शॉप्स जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये तोरण द्वार, जहाँ तोरण मारा गया था शादी के टाइम पे, मतलब राजा महाराजा तोरण मारते थे, काफ़ी ऊंचा है, हाथी पे तोरण मारते थे इसलिए ऊंचा है, आजकल तो घोड़े वगैरह पे मारते हैं तोरण, तो गेट भी नीचे होता है। पहले के टाइम में हाथी पे तोरण मारते थे ना, कम से कम ये 20 फुट ऊंचा गेट है भाई साहब। बड़े बड़े आलिशान महल बनाए थे उस ज़माने में, जहाँ टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, टेक्निक तो थी लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। कर चुके हैं तोरण गेट के अंदर से, ये बैटलफील्ड है ठीक है। पहले महाराणा उदय सिंह सबसे लास्ट के राजा थे, उससे पहले महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा अमर सिंह वापस सेकंड, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, महाराणा जगत सिंह सेकंड, महाराणा प्रताप सिंह सेकंड, महाराणा राज सिंह सेकंड, महाराणा अरिश सिंह, महाराणा हमीर सिंह, महाराणा भीम सिंह, जवन सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, महाराणा फतेह सिंह, गोपाल सिंह और महाराणा भगत सिंह जो लास्ट के राजा थे। जो जिसको देखना है वो वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। बोला जहाँ घोड़े वगैरह खड़ा हुआ करते थे, मैं पिछली बार आया था तब तो घोड़े खड़े थे कम से कम बहुत ऊंचे, यहाँ तो उनकी पीठ अट रही थी पीछे तक, अलग से पंखे लगे हुए हैं घोड़ों के लिए। भैया घोड़े कहाँ गए? कहाँ पे? फार्म हाउस पे, पहले यहाँ खड़े होते थे ना। चलो घोड़े फार्म हाउस पे भेज दिए गए, ऊपर पहले वहाँ बैठे थे, आपको दिख रहा होगा अंदर आ गए। ये एंट्रेंस है, यहाँ चेकिंग होगी फिर वीडियो स्टार्ट करूँगा मैं ठीक है। चांदी की अपने गणेश जी की मूर्ति, काफ़ी सीधी सीढ़ियाँ हैं।
ये हॉल महल का हॉल। ये हल्दीघाटी गैलरी, किसी को कोई भी कुछ भी पढ़ना हो तो इसको जो मतलब पॉज करके पढ़ सकते हो। ये साफ साफ मेरे लिए लिखा हुआ है माइंड योर हेड, मेरे जैसे लोग ओके लग जाती है ऊपर। थंबनेल ले बजे यार, तलवार डाल और सीओ ये बीलों के साथ रणनीति बनाते हुए महाराणा प्रताप। घोड़े समेत चीरते हुए अकबर की सेनापति को। ये चेतक ने जब नाले को पार कराया था उसके बाद में कुछ ऐसी हालत थी तब पेंटिंग में वर्षित किया गया उसी। ये बाहर निकल रहे हैं वापस। पहला म्यूजियम इसी के सामने है, दूसरा म्यूजियम तो नहीं है, पहले टाइम में हॉल है उसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया अभी सिटी पैलेस में। सामने मंदिर है और मीरा भाई ये शेर सांवरिया ग्रिप के लिए यहाँ पे तांचे लगाए हुए हैं, देखो जो तो ग्रिप बनी रहे। ये महाराणा करण सिंह जी, ये पुराने के टाइम पे पानी से भरा रहता था। ये खिड़की, इस खिड़की से आपको अलग ही व्यू दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए जल महल का व्यू, साथ में बोटिंग करते हैं और वो बोट के ऊपर अलग ही घर बना रखे, घर नहीं है वो बल्कि होटल है। 45,000 रुपये लगते हैं उसके एक दिन के। इसमें पहले के टाइम में जब राजकुमार का राजतिलक लेकर हुआ करता था तो 1,00,000 चांदी के सिक्के और दूध डाल के उसका स्नान किया जाता था, कराया जाता था, फिर उसके बाद में उसका राजतिलक हुआ करता था। पता नहीं कुछ बना हुआ है, कुछ लिखा भी नहीं है, फिर तो कुछ बावड़ी सी है। केस फॉर कैरियर रीजंस, मतलब पहले के टाइम में जो कबूतर हुआ करते थे उनको संदेशा पहुंचाने के लिए इसमें रखा करते थे और जब संदेशा पहुंचाना था तो बाहर निकालते उसको संदेशा लिखते और फिर उड़ा देते थे उनको। इंस्ट्रूमेंट है जो कई नए हैं कई पुराने हैं जिनको पुराने स्टाइल में बनाया गया है। ये जो नए हैं मतलब पुराने हैं वैसे तो, ये पियानो पहले टाइम टेप वगैरह। ये रथ सॉक्स वगैरह सारे लगाए हुए, पहले के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाले थे, अभी भी है लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही थे।
बगी है ये बगी। ये सेठ सांवरी यार जो बगी बनाई थी वो छत्र। ये घोड़े की प्रतिमा मूर्ति ये सिंहासन हुक्का यूटेंसिल्स जो तांबे के बने हुए थे ये हेयर कट करने के सामान ये पहले की है चांदी से बने हुए हैं। ये चौपड़ मैं अपने घर पर होती है चेस ये चेस ऐसे ओरिजिनल जैसे लगाए बने हुई है ये जो चांदी से बनी हुई एरोप्लेन जैसी भी इत्र के लिए मतलब कलेक्शन हुआ करता था पहले इत्र वगैरह ये पालना। राजा ने अपनी रानी के लिए सॉरी अपनी रानी की बेटी पुत्री मतलब राजकुमारी के लिए मंडप बनाया गया था फिर उसने ट्रस्ट को दान कर दिया था। दान करने के बाद में ट्रस्ट ने वापस ला के यहाँ रख दिया और शोपीस के लिए लगा दिया।